हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5 के सॉल्यूशंस मैं आपके साथ अपनी लास्ट वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज शो दैट इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें उस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है, स्क्वायर। और कंडीशंस हमें गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। देखिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है तो आप देख सकते हैं ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें स्क्वायर गिवन था और उसके डायगनल्स हमें प्रूव करना था कि इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में वाइस वर्सा सिचुएशन गिवन है हमें, डायगनल्स अगर इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो हमने ये एक फिगर बना ली, एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ करा है, इसकी लेबलिंग कर लेंगे ए बी सी डी, इस पॉइंट को ओ मार्क कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या है हमें, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच डायगनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी डायगनल बी डी के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ इक्वल, दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें गिवन है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। इसी तरह से ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये भी हमें गिवन है। और एक चीज हमें और गिवन है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो इसका मतलब ये हुआ ए सी और बी डी के बीच में जो एंगल है वो है 90 degrees। तो इसको हम लिखेंगे ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो ये सब कंडीशंस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए जो इसका प्रूफ होगा उसके लिए हम दो स्टेप्स में इसको वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले हमें जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसको हम स्टेप 1 में प्रूव करेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है, और फिर स्टेप 2 में हम प्रूव करेंगे कि वो पैरेललोग्राम एक स्क्वायर है। अब देखिए जो ये हमारा स्टेप 1 है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना, इसको हम किस तरह से करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं दे आर पैरेलल, और दोनों अपोजिट साइड्स अगर हम प्रूव कर दें ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और इसी तरह से हम प्रूव कर दें कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं, यानी कि हम प्रूव कर दें ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर हम ये कंडीशंस प्रूव कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये जो कंडीशंस हैं ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हैं। और सेकंड स्टेप जो है हमारा पैरेललोग्राम को हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे
कि जो पैरेललोग्राम है उसके सभी एंगल्स, या अगर हम एक एंगल भी प्रूव कर पाए कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो हम उसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम है जो हमें मेन करना है। अब देखिए, जो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसमें अगर हम सिर्फ इतनी कंडीशन भी प्रूव कर दें कि दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स, तो हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सिर्फ ये कंडीशन प्रूव कर दें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो भी हम उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? एक हम लेंगे एओडी और दूसरा हम लेंगे सीओबी। हमें ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले दो ट्राइंगल्स लेने हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओबी, इन दोनों ट्राइंगल्स के तीन पैरामीटर्स को इक्वल रखेंगे। देखिए, एओ सीओ के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इसी तरह से ओडी ओबी के इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए, जो ये वाला एंगल है, अभी हमें ये वाला एंगल लेना है और ये मैं ओ यहाँ से रब कर रही हूँ अभी, ये पॉइंट हमारा ओ मैं यहाँ लिख दूंगी ताकि हमें क्लैरिटी रहे। ये एंगल ए ओ डी और ये एंगल सी ओ बी, ये दोनों देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से एंगल ए ओ डी हमारा इक्वल आ गया एंगल सी ओ बी के, और रीज़न क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। और क्राइटेरिया कौन सा हुआ हमारा? साइड एंगल साइड, तो क्राइटेरिया हमारा यूज हुआ इसमें एस ए एस। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब मान लीजिए ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल वन है और ये एंगल जो है ये हमारा एंगल टू है। तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज टू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। हमें मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हम सीपीसीटी के थ्रू दो एंगल्स को और इक्वल ले सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब लेकिन अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो एंगल वन और एंगल टू की जो पोजीशन है वो इस तरह से है। देखिए, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है। हमने फिगर को कट शॉर्ट किया तो देखिए ये एक जेड बन रहा है हमारा। तो उस हिसाब से एंगल वन और एंगल टू जो हैं ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन यानी कि जो ए डी है इस लाइन के, यानी कि बी सी लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। बट ऑब्वियस है कि अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट की पोजीशन में है, ये तभी पॉसिबल है जब ए डी बी सी के पैरेलल हो। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो हमने ए डी को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए, हमें ए बी को सी डी के पैरेलल भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये दो सामने वाले ट्राइंगल्स उठाएंगे और सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने इन दो ट्राइंगल्स के लिए किया है। अब वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा,
तो इसीलिए हमें उसे दोबारा लिखने की नीड नहीं है। तो हम यहां पर सिर्फ इतना लिख देंगे सिमिलरली ए बी, इस लाइन को हम डी सी के पैरेलल लिख देंगे, सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब हमने दोनों अपोजिट पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, ए बी को डी सी के पैरेलल और ए डी को बी सी के पैरेलल। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफोर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना, वो हमने अचीव कर लिया। अब देखिए ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो बट ऑब्वियस है दिस इम्प्लाइज टू, हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ए बी सी डी के इक्वल, क्योंकि अगर एक ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और इस तरह से ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमने एक इक्वेशन अचीव कर ली, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। और इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन है हमारा। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा एकम्प्लिश हुआ। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, अब इस पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर प्रूफ करेंगे। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, एक हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए थे, अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे जो साथ साथ है, एडजेसेंट ट्राइंगल्स। तो ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, इनके तीन पैरामीटर्स देखते हैं कौन कौन से इक्वल हैं। सबसे पहले देखिए ए ओ साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड। उसके बाद देखिए ये एंगल हमें 90 गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन था डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमारे 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरी चीज देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दिस वॉज गिवन। तो इस तरह से हमने तीन पैरामीटर्स इक्वल प्रूव कर दिए। तो अब हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी becomes congruent to triangle ए ओ डी, और प्रॉपर्टी कौन सी हुई, देखिए साइड एंगल साइड एस ए एस, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से हमने दोनों ट्राइंगल्स को congruent प्रूव कर दिया। अब दोनों congruent हो गए तो हम सी पी सी टी अप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज टू, अब हम क्या इक्वल ले लेंगे, इस ट्राइंगल की साइड ए बी और इस ट्राइंगल की साइड ए डी, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज टू ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह से देखिए अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूँ बी ओ सी और सी ओ डी, ये दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू डी सी। तो मैं यहां पर लिखूंगी सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू डी सी। तो ये हुई हमारी इक्वेशन थ्री। अब देखिए अगर हम इक्वेशन वन टू और थ्री को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें इक्वल आई थी, वो क्या थी, ए बी इज इक्वल टू सी डी
और दूसरी चीज आई थी ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए आप इन तीनों को कंपेयर करिए, ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, तो यानी कि ए बी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये ऑलरेडी यहाँ है हमारे पास, और ए बी और किसके इक्वल है, सी डी के, तो हम इसको सी डी लिख सकते हैं। इसी तरह से ए डी देखिए यहाँ पर किसके इक्वल है, बी सी के, और हम यहाँ ए डी ले चुके हैं तो हम लिख सकते हैं बी सी। तो इस तरह से हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी, तो चारों साइड्स इक्वल आ गई हमारे पास। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन तो हमने अचीव कर ली कि चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की या पैरेललोग्राम की इक्वल है। अब एक चीज़ हमें और अचीव करनी है, क्या, कि सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे देखिए। उसके लिए हम फिर से दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा हम लेंगे बी ए सी। अब हमें ध्यान देना है कि सेम बेस का ट्राइंगल हम उठा रहे हैं, ए बी बेस के ऊपर हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं हम वो लेंगे, इसको हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी ए सी, इस तरह से। देखिए अगर मैं ये कॉमन बेस लूँ, एक ट्राइंगल हमने ये उठाया, दूसरा हमने ये उठाया ए, इस तरह से फर्स्ट सेकेंड एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब इसमें भी हम तीन पैरामीटर्स को इक्वल प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ए बी बेस कॉमन है हमारा, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। उसके बाद देखिए ए डी बी सी के इक्वल है, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो हम इसमें लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, देखिए बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन में हमें गिवन था क्वाड्रिलेटरल डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो डायगनल्स हमें इक्वल थे गिवन, तो हम इसको यहां पर यूज करेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो रीजन हो गया हमारे पास गिवन। दोनों ट्राइंगल्स के तीन पैरामीटर्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। और प्रॉपर्टी कौन सी हो गई इस बार देखिए, एस एस एस, तो एस 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 क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल का हम ये एंगल लेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, और इस ट्राइंगल का जो हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया था इसका एंगल लेंगे हम ये। आप अलग से इसको फिर से देख सकते हैं एक बार, अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास तो हमने ये एंगल लिया है, और जो ये वाला ट्राइंगल था इसका हमने ये एंगल लिया है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए बाय सी बी सी डी, एंगल सी बी ए, रीजन सी बी सी डी। अब देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम था, और अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो ये दो एंगल्स हमारे को इंटीरियर एंगल्स हुए, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को x मान लूँ, मान लीजिए डी ए बी भी x है और सी बी ए भी x है,
दोनों को एक्स क्यों लिया, क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, तो इन दोनों को मैंने एक्स पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल्स टू 180, तो x कितना आ गया हमारा 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, तो x हमारे पास 90 डिग्री आया। दिस मीन्स जो ये कंप्लीट एंगल है दिस इज 90 एंड सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। मैंने 1 और 2 रब कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जब हमने इस एंगल को 90 के इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा टास्क अचीव हो चुका है। देखिए, सबसे पहले हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन था, उसको हमने क्या प्रूव करा, पैरेललोग्राम फर्स्ट स्टेप हुआ। देन हमने इस पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूव करा। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करा, देन हमने इसके हर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करा। देखिए, अगर ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं तो बट ऑब्वियस है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, तो उस तरह से ये एंगल भी 90 आएगा सी, और उसी तरह से एंगल डी भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल और एक एंगल को हमने 90 प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे यहाँ, सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस भी जल्द ही शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।